तमिलनाडु के सलीम शहर में लॉरी ड्राइवर और अनुचित व्यवहार वाला एक लॉरी चालक ढाबे और होटल जैसी सुनसान जगहों पर मासूम और असहाय महिलाओं को फंसाना उसकी पसंदीदा जगह है। उन्हें सुनसान जगहों पर ले जाना और बेरहमी से बलात्कार करना और हत्या करना उसका जुनून है। शंकर मूर्ति के रूप में पैदा हुआ ये ठंडे खून वाला बलात्कारी अपने क्रूर कृत्य के लिए कुख्यात साइको शंकर के रूप में जाना जाता है। उसके जाल में फंसी बेगुनाह स्त्रियां असंख्य हैं, जिनमें से सिर्फ 5 घटना ही सामने आई है। काफी देर तक शिकार पर रहने के बाद साइको शंकर तमिलनाडु पुलिस के जाल में फंस जाता है। तलेम थाने में बंदी रहते हुए भी शंकर वहां एक पुलिस महिला पर अपनी क्रूर निगाहें डालता है और उसे एक अनजान हवेली पर ले जाता है। 10 दिन तक अपनी काम वासना को मिटाता है ठंडे खून वाला जानवर शंकर कुछ देर के लिए फरार हो जाता है, मगर फिर से उसे पुलिस पकड़ लेती है। नकली स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देकर बड़ी चतुराई से अस्पताल में भर्ती हो जाता है और वहां से भाग जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया शंकर ने अपने ऊपर नियंत्रण खो दिया। उसने मेडिकल कॉलेज की एक युवा छात्र का अपहरण किया, एक सुनसान हवेली में उसके साथ बलात्कार किया और उसे बेरहमी से मार दिया। इन सब वास्तविकता के अंत के रूप में शंकर अंत में मास्टरमाइंड के जाल में फंस गया। कर्नाटका पुलिस विभाग के श्री अशोक कुमार शंकर को पकड़ने में कामयाब होते हैं, लेकिन फिर से वो सलाखों को तोड़ने की योजना बनाता है और सावधानी से उस पर काम करता है। शौचालय में लोहे की एक पट्टी का उपयोग करके डुप्लीकेट चाबी तैयार करता है। साइको शंकर की कहानी ठंडे खून वाले बलात्कारियों में से एक है जिसे समाज ने देखा है।
अरे बाप रे, शंकर फिर से भाग गया है। हे भगवान, हे भगवान, ये शंकर फिर भाग गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये चौथी बार ये खूनी शंकर फिर से भाग गया। सर, कड़ी सुरक्षा के बावजूद ऐसा हुआ है। थु, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। देश में ऐसी घटनाएं हैं, पूरे पुलिस विभाग पर काला धब्बा छोड़ देती है। इससे पहले कि हालात बिगड़े, प्रेस को बुलाओ तुम लोग। प्रेस को बताना पड़ेगा कि वो कैसे भागा है। टाइट सिक्योरिटी के बावजूद साइको शंकर भाग गया। क्या ये जेल सुरक्षा व्यवस्था के कारण है या पुलिस की लापरवाही? देखिए, इस तरह की टिप्पणी ना करें। शंकर जरूर तीसरी बार भागा है, लेकिन वो जहाँ कहीं छिपा है हम उसे पकड़ लेंगे। शंकर तीन बार भाग चुके हैं, कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी आपके प्रशासन से। इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या कहा? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वो मेरे पास ही था। मैंने दरवाजा खोला और उसे बाहर जाने दिया। ये सब विपक्ष का खेल है, हमारी सरकार को गिराने के लिए। 24 घंटे के भीतर हम उसे पकड़ लेंगे। टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी साइको शंकर जेल से फरार, क्या ये कमजोर सुरक्षा व्यवस्था के कारण है या पुलिस की लापरवाही? हमारे साथ बने रहे। शंकर की तस्वीर, क्या लिखा है इसमें? दरवाजा खोलो। क्या हुआ? एक मिनट के लिए अपने बेटे को बुलाओ। इधर आओ, देखो जरा, पढ़ो। बेटा इधर आ, ये देखो इसमें क्या लिखा है, पढ़कर सुनाओ ना। साइको शंकर जेल से फरार हो गया। क्या? बेटा ठीक से पढ़ो ना, जो लिखा है वही पढ़ रहे हो ना? हाँ, मैं वही पढ़ रहा हूँ जो लिखा हुआ है। नरसिम्हा, नरसिम्हा, क्या हुआ निंगा? नरसिम्हा, जैसा कि हम लोगों को उम्मीद थी, शंकर जेल से फरार हो गया है। किसने बताया रे तुझे? ये देखो अखबार में लिखा है, पढ़ लो। मैंने पढ़ लिया है।
मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, मुझे कैसे भी करके 10 लाख रुपया चाहिए ही चाहिए। उसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा, मैं तैयार हूँ। इतने सारे पैसे, इनसे तो हॉस्पिटल का सारा बिल चुकता हो सकता है। इतनी भीड़, कितनी व्यस्त जगह है यार ये। ओहो, कितनी व्यस्त जगह है ये। इतने बड़े शहर में हम शंकर को कैसे ढूंढेंगे, ये तो बताओ। वो कहीं पर भी छुपे, फिर भी उसे ढूंढकर निकालेंगे। हमारे जाल से वो बचकर जाएगा कहाँ। इस काम में बहुत रिस्क है मेरे भाई। आदमी है जो शंकर जैसा दिखता है सर। कैमरा ऑन करो। शंकर तो ये नहीं है रे। चलो चलो सर, इसके कपड़ों से लगता है कि आदमी शंकर है सर। स्लम को चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया है सर। शंकर ने उस आदमी की हत्या की जिसने पुलिस को इसके बारे में सूचना दी और फरार हो गया। ए, शंकर ने ही इसे मारा है, इसी ने ही पुलिस को सूचना दी और वो मार कर चला गया। इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे लगता है शंकर यहीं पे कहीं छुपा हुआ है, लेकिन अगर पुलिस उसे पकड़ लेगी तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी हमेशा के लिए। अबे छुप रे। शंकर ने उस व्यक्ति की हत्या करके पुलिस को सूचना देके वहां से फरार हो गया है। अब भी नहीं लगता गृह मंत्री द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों के पास इससे बेहतर कुछ नहीं। सर, जो कुछ भी हो रहा हो बड़ा ही भयानक है। हम इसे ऐसे ही जारी रहने नहीं दे सकते। तभी का हमारे विभाग पर से भरोसा उठ रहा है। तो तुम ही बता दो क्या करें। सर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम उसी पुलिस अधिकारी को केस सौंपेंगे जिसने पिछली बार सिर्फ 2 दिन में शंकर को पकड़ा था। इस तरह ये केस सॉल्व हो जाएगा सर। क्या वो पागल फिर से आएगा? मुझे वो पागल बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम कुछ और सोचो। सर, अभी और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। प्रेस को जवाब देना होगा सर। मुझे पता है कि उसे कैसे पकड़ना है। रुको और देखो, हमारा विभाग जबरदस्त प्रयास कर रहा है उसे पकड़ने के लिए हर तरह से, लेकिन उसे पकड़ने के लिए देश के हर आम आदमी को पुलिस की तरह काम करना पड़ेगा। इसलिए हम आज घोषणा कर रहे हैं, हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा जो भी इसके बारे में जानकारी देगा और हमारी सहायता तो करेगा। आप क्या कहना चाहते हैं सर, कि आपके डिपार्टमेंट ने उसे ढूंढने का काम छोड़ दिया है? ऐसा नहीं है। इस तरह के केस में लोगों को हमारे साथ मिलकर काम करना होगा। आप लोग हम पर विश्वास बनाए रखें, तभी हम सफल होंगे। साइको शंकर फरार होने के बाद भी हमारे बीच में वो घूम फिर रहा है। गृह मंत्री द्वारा घोषणा की गई है कि सूचना देने वाले को 5 लाख और उसे जिंदा पकड़ने वाले को 10 लाख की इनाम दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। दादा, कहाँ रखे थे आपने?
इसमें तो नहीं है दादा। मैंने अच्छी तरह से तलाशी ले ली, यही कवर में रखा था मैंने, मेरे पोते की सर्जरी के लिए सारे गहने बेच दिए, पता नहीं ये किसने किया, मेरे सारे पैसे चले गए। ए बेटा ये लो, ये जो उधर बुजुर्ग बैठे ना उन्हें दे दो, जा। ठीक है अंकल। दादाजी अंकल ने ये आपको दिया? ये तुम्हें कहाँ से मिला? वहाँ पे खड़े अंकल ने दिया है मुझे। क्या तुम्हें पता था ये पैसा हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी था? इल्म है तुम्हें? मुझे पता है, हमें शर्म आनी चाहिए कि इस उम्र में भी वो बुजुर्ग आदमी इतनी जिम्मेदारी उठा रहा है। उसने सब कुछ बेच दिया है और खुद संघर्ष कर रहा है, हमें शर्म आनी चाहिए। शर्म? कैसी शर्म की बात कर रहे हो? ये हमारे लिए ही भगवान ने शंकर को वहां से भगवाया है। अब भी हमारे पास 7 दिन है, किसी तरह से शंकर को पकड़ लूंगा और उसे पुलिस को सौंप दूंगा और उसकी कीमत के पैसे लूंगा। इस काम में बहुत रिस्क है मेरे भाई। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं इस बार खाली हाथ मैसूर नहीं जाने वाला। तब तक तुम्हें यहां चीजों को मैनेज करना होगा। मिलते हैं। खिड़की वाली सीट खाली नहीं है क्या? अरे सारी सीट भरी हुई है। ये क्या खोज रही है? किसको उल्लू बनाऊं मैं? यही है वो। हेलो। आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। बेवकूफ कहीं का। लड़की बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन मेरा सीट ले लिया है इसने। मैं भी कुछ सोचता हूँ। ये भगवान उल्टी हो गई, अब तो ये मारी डालेगी। इसके गोद में मैंने उल्टी कर दी है। अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अरे छोड़ दो, बस रोको। Excuse me, ये आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिद्धू नाम याद रखना, लोग मुझे प्यार से आरेख सिद्धू, आरेख सिद्धू बोला। आरेख सर, तू भी तो समझा यार। पहचान नहीं पा रही, क्या मैं जान सकती हूँ तुम कौन हो? अरे इसको छोड़ो यार, लव और बिजनेस में लोग दुनिया भूल जाते हैं, तो तुम्हें भूला तो क्या हो गया? प्यार? हाँ। कौन? तुमसे। मैं पहली नजर में तुम्हारे लिए गिर गया, क्या तुमको मेरे लिए ऐसा नहीं लगा? नहीं। ओ, सीधा चेहरे पे खारिज कर दिया। ठीक है, अभी नहीं तो शायद अगली बार। बिल्कुल नहीं। फ्लॉप हो गया यार। कसम खा के बोलता हूँ, तुझे तो मुझे गणेश जी मिला के रहेंगे। अरे भाई
ये गणेश वाली नहीं जीसस वाली बंदी है। जीसस। यीशु ने अपने प्रेम और करुणा की वर्षा की बिना किसी भेदभाव के किसी भी जाति किसी भी पंथ पे। आमीन। ये आदमी यहाँ क्यों है? अब मैं इसका क्या करूं? हाँ? अभी उठू गया? हाँ। ये ले लो फिर। अरे अब मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं? अब देखूं। अरे ये तो मुझसे भी बड़ी शानी निकली। सेम टू सेम रेड रॉन्ग है। आपने उसी आदमी को गिरा दिया जिसने आपको बचाया था। ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ए, रुक जाओ। ये तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हें? तुम अजनबियों के साथ भी एकदम आराम से रहती हो। मेरे साथ तुमको क्या दिक्कत है? पार्क, सिनेमा हॉल, पब्लिक प्लेस में मिलने में क्या तकलीफ है? लव नहीं हुआ, कोई झगड़ा हो गया? अरे कोई वर्ल्ड का टेररिस्ट लग रहा हूँ क्या? तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? अपना सब पैसा टाइम सब बर्बाद करके कुत्तों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ। मैं अपने सब दोस्तों को बोल चुका हूँ कि एक खूबसूरत लड़की को मैंने पटाया हुआ है, और वो खूबसूरत लड़की को देखो, फेसबुक से लेके इंस्टा से लेके व्हाट्सएप से लेके सबके ऊपर तुम लगी हुई हो, लेकिन मेरे बारे में तुमको कोई नहीं फर्क पड़ता। पूरे दुनिया को मैंने बोल दिया हुआ है कि ये वो लड़की है जिसको मैं जान से प्यार करता हूँ, लेकिन इसको देखो अभी भी एकदम एक मूर्ति की तरह खड़ी हुई है और मेरे तरफ बिल्कुल भी इसको इंटरेस्ट नहीं है। अरे जब कोई तुमको प्यार करता है तो उसके बारे में सोचना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए सोचना नहीं है, सिर्फ सिंपल है, सॉरी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बस हो गया तुम्हारा। देखो मुझे भी अभी कोई ज्यादा सबर नहीं है तुम्हारे लिए, जितनी फील्डिंग करनी थी मैं कर चुका हूँ, बस मुझे माफ करो, अब तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं। ए काव्या, एक आखिरी बात तुम मेरी सुनते जाओ, आखिरी सांस तक तुम्हारी सांसों में बसता रहूंगा, मेरे मरने पर भी मुझे तुम कभी मिलने मत आना, क्योंकि मैं प्रपोज मर के भी करूंगा।
ए, अरे पागल हो गए क्या? सॉरी सर। अड़ने जा साला। सर खाने में क्या दूं? क्या है रे तेरे पास? भेजा फ्राई, बोटी फ्राई, कबाब और मछली। क्या जा जाकर कुछ अच्छा ले आ। सब ले आऊं सर। बकरी का बच्चा लेके आ। वो तो हमारे पास नहीं है। ठीक है जा, जाकर चार रोटी ले और चिकन करी जा। ठीक है सर। सुनो इधर आ, इधर आ। क्या बकरी के सर का एक टुकड़ा भी नहीं है? धिक्कार है आप पे कि आप ये मांग रहे हो। अरे चाल तो जा, भाषा इधर की ऐसी है, उत्तर कर्नाटक की भाषा ऐसी है। देखो सादा, ज्यादा बोलेगा तो तेरी तो भी बताता हूँ। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, वही बकरी का सिर। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कूल डाउन, पानी पियो। जाके समझा तेरे गांव वाले को, ज्यादा बोलेगा तो। चल जा रहा हूँ मैं। क्या यार, ओह गॉड, अब शंकर कहाँ है? नरसिम्हा, शंकर कहीं आसपास ही होना चाहिए, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। करो ऊपर से नीचे तक। घर लौट रही एक युवा स्कूली छात्रा शंकर का एक और शिकार बन जाती है। एक युवती के बलात्कार और हत्या की भीषण घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस खबर ने एक सार्वजनिक आंदोलन शुरू कर दिया है। घटना के चंद घंटों के भीतर ही केंद्र सरकार का ध्यान राज्य सरकार पर भारी दबाव डाल रहा है। बलात्कार के चार घटनाओं के बाद भी शंकर अब तक पकड़ा नहीं गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे देश में तबाही मची हुई है। लोग सड़कों पर धरना कर रहे हैं और इसी वजह से केंद्र सरकार राज्य सरकार पर भारी दबाव डाल रही है, क्योंकि शंकर अब तक पकड़ा नहीं गया। अशोक कुमार को बुलाओ, जहां भी हो वो। Come on, fast, fast. Come on, fast.
लगभग 10 साल में 150 घर लूटने वाला कुख्यात चोर इस अशोक कुमार द्वारा शिकार किया जाना तय था। हा? वो बंदर जो एक घर से दूसरे घर पर उड़ता था, अब वो मेरे जाल में फंस गया। ऑप्शन ये है कि इस इमारत से कूद जाओ या फिर मेरे जीप में बैठकर चलो। हा? गाड़ी खदान की ओर लेकर चलो। ए उड़ता हुआ बंदर, अब मैं तुम्हें दुनिया से मुक्त करूंगा। क्या बच जाओगे? बच कर दिखाओ। हाँ क्यों, तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है? ए चलो, तुमने कुछ ऐसा भयानक काम नहीं किया है। हाँ, द्वापर में कृष्ण भी ऐसा ही करते थे, उधर पूजा करते थे, इधर सजा देते थे। हाँ देखो, मैं भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ सोच समझ कर ही काम करो। मैं हमेशा एक सिद्धांत में विश्वास करता हूँ, अगर किसी को मुझसे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे भी बारी बारी से लाभ मिलना चाहिए। भाग जाओ, भाग सकते हो भाग जाओ, लेकिन मुझे कैसे प्रॉफिट होगा? आपको मेरी तरफ से प्रॉफिट मिलेगा सर, प्रॉफिट मिलेगा। मुझे पैसा दोगे ना? आपको पैसा। हाँ, ये सर, ये है मेरा लड़का। हाँ। देखो, ये है मेरे और अपराधियों के बीच की बॉन्डिंग। फिर देर क्यों, इसे जल्दी लाओ यार। ए, जल्दी दे, यही पे रुक, मैं आता हूँ। सर सर, ये लो पैसे, सारे पैसे। अरे उड़ते हुए बंदर, मेरे विचार बदलने से पहले गायब हो जाना, सामने दोबारा हाँ फिर दिखना नहीं। हाँ सर। ए जल्दी चल, जल्दी चल। मेरी माँ। क्या सर, आपने कहा था कि आप गोली नहीं मारोगे। यहाँ देख, यहाँ 2 नकली नोट है। मुझे धोखा खाना पसंद नहीं है, इससे पहले कि मुझे कुछ और नकली नोट मिले, यहाँ से निकल जाओ। मैं बोल रहा हूँ निकल जाओ यहाँ से, चलो। हेलो, हाँ देता हूँ सर, होम मिनिस्टर ने फोन किया है सर। हेलो, जय हिंद। ये लो सर, आप जो कर रहे हैं सर, उसके लिए आपको अफसोस नहीं होता है क्या? अफसोस? और मुझे स्वामी शरणम अयप्पा। राज्य सरकार ने एक समझदारी का कदम उठाया है, मामले को संभालने के लिए एक उठार पुलिस ऑफिसर अशोक कुमार को बुलाया गया है। आज सुबह ही बेंगलोर पहुंचते ही उन्होंने सभी इलाकों का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। बेंगलुरु के लोगों के लिए ये बड़ी राहत है, पुलिस अधिकारी जिसने पहले गृह मंत्री को थप्पड़ मारा था, फिर से वो बेंगलुरु लौट आया है। देखते हैं इस बार शंकर को पकड़ पाते हैं या नहीं। जिस तरह से महिलाएं इन दिनों कपड़े पहनती है ना, बलात्कार की संख्या में वृद्धि के पीछे यही मुख्य कारण है। मुझे कोई भी परवाह नहीं है, गृह मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो। अरे अब ये भी इस विषय में बात कर रहा है, उसे यहाँ किसने बुला लिया? रंगप्पा स्वामी। मेरे लिए नहीं तो कम से कम इस माला को तो सलाम करो जो मैंने पहनी है। साहेब, खाकी पहनकर जो आपने पाप किए हैं, माला धारण करने से धुल नहीं सकते। ओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं आपकी दृष्टि में भ्रष्ट हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैं सही हूँ। ये प्रसाद ले लो। हाँ। तुम वो लोग हो जो मेरे जैसे पापियों से प्रसाद लेकर खुश हो जाते हो, और हम वो हैं जो पापों से पैसा कमा कर अपने जेब को भरते हैं। हम दोनों में बहुत अंतर नहीं है स्वामी। समाज,
उस तरह से प्रभावित नहीं होता जैसा तुम सोचते हो। गणेश सर, सभी स्लम बस्तियों को अलर्ट करो, घोषणा भेजो। अगर वो शंकर को खोजने में मदद करते हैं तो उनकी सारी समस्याएं हल कर देंगे हम। शंकर की तस्वीरें हर जगह पोस्ट कर दो, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी प्रकार के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो। हमें उसे अब से 24 घंटे के भीतर पकड़ना है। हेलो, अरे सिद्धू, तुम बेंगलोर कब आए? यहाँ कर 2 दिन हो गया, शंकर को पकड़ने आया। कौन? साइको शंकर को? पर क्यों? तुम अच्छे से जानते हो मैं मैसूर में एक लड़की से प्यार करता था ना। आपके बेंगलोर में जाने से पहले हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। एक दिन मैं उसका इंतजार कर रहा था रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने। हेलो हेलो, तुम कहाँ रह गई यार? हाँ आ रही हूँ ना, थोड़ी देर में आती हूँ। मैं अपनी दोस्त को रास्ते से पिकअप करने जा रही हूँ। ठीक है। उसने मुझसे कहा कि 10 मिनट में आएगी, लेकिन कई घंटे लग गए, उसके बाद भी नहीं आई। इंतजार में मैं पागल हो रहा था। मैंने उसे कई बार फोन किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था, फोन ही नहीं उठा रही थी वो। मैं परेशान होकर के उसे ढूंढने को निकला लेकिन उसका फोन बंद था। अचानक मेरे दोस्त का फोन आया। क्या? काव्या अस्पताल में भर्ती है जी। काव्या कहाँ पे है? हाँ। काव्या उधर इमरजेंसी वार्ड यहाँ पे। हाँ। जिस लड़की को रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचना था वो हॉस्पिटल पहुंच गई। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या है। रास्ते में वो बेहोश मिली और उसे हॉस्पिटल ले आया गया। उसे बहुत चोट लगी थी। देखिए, उसको बहुत मेजर इंजरी आई है। फिलहाल तो वो खतरे से बाहर है, लेकिन आप जाके उसे आईसीयू में देख लीजिए, इलाज करना जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने बताया कि उसके इलाज जल्दी शुरू करना होगा और उसके लिए उसकी पैसों की व्यवस्था करनी थी। यह जानने के बजाय कि ये कैसे होगा, हम पैसे मांगते हुए पूरे मैसूर में किसी भी तरह पैसे का इंतजाम करना था और इसके लिए हम चल पड़े। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे हर हाल में अर्जेंट पैसे चाहिए, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आया। हर रोज मेरा आत्मविश्वास कम होता जा रहा है, मुझे पता नहीं कि क्या होगा, मैं उसे बचा पाऊंगा कि नहीं। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो बेटा? मुझे लगा था कि शंकर को मैं पकड़ूंगा, लेकिन जब से स्पेशल ऑफिसर अशोक ने चार्ज लिया है मुझे लगता नहीं कि मैं उसे पकड़ पाऊंगा। उसके पास पूरी टीम है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहले से है। अगर आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो तो पुलिस से पहले शंकर को मैं पकड़ लूंगा। सिद्धू, ये बहुत ही सेंसिटिव मसला है, जानकारी देना इतना आसान नहीं है। तुमने डिपार्टमेंट की बहुत मदद की है, मैं इस केस में तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। शुक्रिया सर। ओ साहेब। हाँ सर, बताएं। रंगप्पा, हमें शंकर के ठिकाने के बारे में जानकारी मिली है। ओके सर। ये तुमकुर रोड में। ओके सर। आगे रास्ते में तुम मिलो। ओके ओके सर। शंकर के बारे में जानकारी मिली है, तुमकुर रोड हाईवे स्लम के पास कहीं छिपा है, वहाँ जल्द से जल्द पहुँचो, उसे ढूंढो और कंट्रोल रूम को फोन करो। हेलो मैडम, राजू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि शंकर तुरकू रोड पर है और पुलिस भी वहीं पर जा रही है मैडम। ओ ठीक है, मैं भी आती हूँ। अरे प्रवीण, क्या हुआ? उन्होंने शंकर को हाईवे स्लम के पास देखा है। जल्दी आओ, हमें जल्दी करनी है, पुलिस पहले ही रास्ते में है। रुको रुको, चलते हैं। हर जगह पहुंच जाते हैं ये। जल्दी 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 गाड़ी में आकर बैठ जाओ। जय हिंद सर।
ये तो यहां पे है, पहले मुझे कंट्रोल रूम में कॉल करना चाहिए। सर क्या ये कंट्रोल रूम है? शंकर को पकड़ने के लिए वादा किया गया है नकद धन, क्या ये सही है? 10 लाख सही है सर? सर वो तुमकुर रोड पे मिलेगा सर। हाँ सर, अरे शंकर कहाँ पे छुपा हुआ था रे? ए नरसिम्हा मार, मार इसे, मार जल्दी, मार छुरा, मार छुरा, मार, मार। अगर ये मर गया तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? इधर से लो, इधर से। के साथ घूम रहे हो, दंडुपाल्य गिरोह की तरह लग रहे हो। तुम लोग कौन हो? तुम लोग कहां से हो? हम ना पहाड़ से हैं, हम पहाड़ी लोग हैं। पहाड़ियों से? कौन सी पहाड़ियां? सर आप पहाड़ी को नहीं जानते? इस धरती पे एक ही तो पहाड़ी है और वो है हमारी मडप्पा पहाड़ी। क्यों भाई, सही कहा ना? बोलो ना। क्या सर, आपने कभी नहीं सुना क्या? डोनट चीड़ है, चीड़ है। तो क्या तुम लोग यहाँ आए हो? शंकर से तुम्हारा क्या संबंध है? मैं बताता हूँ, हम लोग काफी दूर से आए हैं, नागमल्ली मडप्पा। अरे नरसिम्हा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? वहाँ गोथू जाने के लिए तैयार हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, जल्दी चलो वरना वो लोग निकल जाएंगे। चलो आओ जल्दी। हाँ आ रहे, चलेंगे। हम लोगों को सूर्यास्त से पहले निकल जाना चाहिए, तभी पहुंच पाएंगे वहां पे। और तुम लोग यहां बैठ के समय बर्बाद कर रहे हो। चल चल।
इस इनकी पढ़ाई कोई मजाक नहीं है। मेरी बहन जिसे सात पहाड़ियों की राजकुमारी की तरह पाला गया था और शहर में चिकित्सा का अध्ययन करने का अवसर मिला, उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। अच्छा मैं अब चलती हूँ, ठीक से रहना। हाँ ख्याल रखना, परेशान मत होना। इस तरह क्यों रो रहे हो? अबे बेवकूफ है क्या, इस तरह कोई रोता है क्या? वो क्या गांव से भाग रही है क्या? वो बस मेडिकल की पढ़ाई करने जा रही है, वहाँ जाकर वो डॉक्टर बनेगी। डॉक्टर? डॉक्टर? बिल्कुल डॉक्टर राजकुमार की तरह, डॉक्टर गौतमी। हाँ हमारी डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर गौतमी। हाँ हमारी बहन उसी स्कूल में पढ़ेगी जहाँ राजन्ना पढ़ा हुआ है। क्या तू मजाक भी करता है क्या? क्यों तुझे लगता है राजन्ना ने यही पढ़ाई की? मतलब उन्होंने उत्तरी दुनिया में पढ़ाई की है। हाँ? उत्तरी दुनिया? अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ओ सही है, अब क्या तुम सब ऐसे ही खड़े खड़े बड़बड़ाते रहोगे? निकलो जल्दी। हाँ चलो चले। गोथू एक बार तुम डॉक्टर बन गई ना, हमारे गांव में कोई भी किसी बीमारी से बीमार नहीं होगा। फिर तुम्हें ऐसा इलाज आना चाहिए, तुम्हें एक महान डॉक्टर बनना है। जीप आ गई, जीप आ गई। चलो चलो चलो, अरे रुक जा, चल चल। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, चलो बाय 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 बाय। अरे ये सामान तो ले लो, अरे बाय बाय। डॉक्टर बन के आना, बहुत बड़ी डॉक्टर बन के आना और सबका अच्छे से इलाज करना, टाइम पे ख्याल रखना। वहां पहुंच कर मुझे कॉल करना मत भूलना, ठीक है? और तुम्हें बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है और हमारे गांव में जितनी भी मुसीबत है उसका हल करना है तुम्हें। चलो अब तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। अपना अच्छे से ख्याल रखना और पहुंच के फोन करना। हाँ चलो। क्या बात है नरसिम्हा, दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लो नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। मेरी गौतमी डॉक्टर की पढ़ाई करने गई है, ये कोई छोटी बात नहीं है समझे। 7 महीने हो चुके हैं और आगे से उसे अपनी पढ़ाई के लिए पैसे भी चाहिए होंगे। अगर वो अच्छी एक डॉक्टर बनेगी तो हम सबका इलाज भी कर पाएगी ना। तब तक मैं आराम आराम कुछ नहीं करने वाला, काम करते रहूंगा। अरे जैसा तुम उम्मीद कर रहे हो ना, बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारी बहन इतने बड़े शहर में पढ़ रही है लेकिन उसे प्यार हो जाए और वो वहीं बस जाए, तब क्या करोगे तुम? ए, बुढ़ापे में सटिया गए क्या? ये जो अभी तुमने बोला उसे वापस लो। मेरी बहन ना ऐसी वैसी नहीं है, वो शुद्ध रत्न है, शुद्ध। सही कहा, सभी औरतें एकदम रत्न है। किसी की जान लेगा क्या? चल चल यहां से, चल। बिना कुछ भी सोचे समझे किसी को भी मारने लगते हैं और अब यहाँ ऐसे सो रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आए। आप अचानक से इतने हिंसक कैसे हो गए जी? उसे पीट पीट कर आपने एकदम काला और नीला कर दिया है। कितनी बार कहा ऐसा मत किया करो। ए बाबा उसका सिर मशीन में डाल देता मैं, वो तो उसका टाइम सही था इसलिए बच गया वो। इसने बीच में आके रोक दिया, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। अच्छा तो क्या आपने कसम खाई है कि गांव की सारी महिलाओं की रक्षा आप ही करेंगे? ये आपकी जिम्मेदारी कैसे बन गई जी? कितनी बार कहा है इन सब बातों को नजरअंदाज कर दीजिए। मैं इस तरह की सभी बकवास को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं अपने सामने किसी भी महिला की बुराई करने वाले को कभी नहीं छोड़ूंगा, समझ में आया? वो भी तो तुम जैसी ही औरत है। ठीक है लेकिन आपने बिना सोचे समझे उसकी पिटाई कर दी, ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। अगर आपकी नौकरी चली गई तो बहन की पढ़ाई कैसे करवाओगे?
ये तुम कैसी बात कर रही हो? क्या इसकी बहन को डॉक्टर बनके देखने की इच्छा नहीं है तुम्हारी? ये तो सबकी ख्वाहिश है। उसके डॉक्टर बनने के बाद हमें बहुत फायदा होगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा हमारे गांव में, है ना? देखा देखा शगुन, छींक दिया। अच्छा सोचो अब। अच्छा अब ये सब बकवास बंद करो और नीचे उतर जाओ आप दोनों। पूरी रात यहाँ पर सो रहे थे इसलिए ठंड लग गई है। मैं नीचे जाकर थोड़ा काढ़ा बना देती हूँ, सर्दी ठीक हो जाएगी। काली मिर्च वाला काढ़ा? ए काढ़ा बीड़ा मैं नहीं पीऊंगा। तुझे क्या चाहिए? अरे नरसिम्हा। हाँ क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे हम लोगों को सर्दी हो गई है तो गौथू के पास इंजेक्शन लेने जा रहे हैं। बहुत दूर है, हमें लेट हो रहा है। हाँ नरसिम्हा क्या हुआ, अब फिर कहाँ जा रहे हो? अरे निंगा का पेट ठीक नहीं लग रहा है, हम गौथू जाएंगे और कुछ इलाज करवाएंगे। ठीक है चलो निंगा चलो। अरे नरसिम्हा क्या है रे, नहीं जा रहे हो? मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, गौथू के पास जाकर कुछ इलाज करवाएंगे हम लोग। हाँ हाँ जाओ जाओ जल्दी आना, ठीक हो जाएगा ये। अब क्या रे? अरे जाओ जाओ जल्दी बीमार पड़ जाता है। मैंने अब तक आपसे एक शब्द भी नहीं बोला, समझे? लेकिन अगर आप ऐसे ही गलतियाँ करेंगे पूरा घर तहस नहस हो जाएगा। हम क्या करेंगे? मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नौकरी छोड़ने के बाद ना मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें मैं बताना भूल गया, क्या मैं गौथू जाकर अपने लिए दवाई ले आऊं? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ आपको कि किस तरह की दवाई की जरूरत है। अभी मेरी बहन को डॉक्टर बनने में केवल एक साल बचा था, मैं फोन पर ही पूरे गांव वालों को दवा देना शुरू कर दिया था। वो फोन पर मुझे बताती थी और मैं दवा देता था। सब इतने खुश थे कि उनका इलाज भी चल रहा था। सुनो ना सनालिंग के घुटने में दर्द है, क्या दूं मैं उसे? उसे लाल रंग की गोलियां दे दो और हर रात लेने के लिए बोलो। हाँ ठीक है। ए निंगा उसे लाल रंग की गोलियां दे दो और उसे हर रात लेने के लिए कहो। हाँ हाँ यही। अपना मुंह खोल, खाले खाले इसे हर रात खाने के बाद बिना भूले खाना। मुझे दर्द बहुत ज्यादा है, इसे एक बार में ही निकल लो क्या? एक बार में खा ले, तेरे पूरे शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा अपने आप और तेरा शरीर टॉस करने चला जाएगा बिल्कुल ऊपर, समझा क्या? मैं एक बार अपनी बहन को देखने गया था लेकिन दोपहर तक वो लौट आती थी, लेकिन उस दिन शाम तक भी नहीं आई और मैं उसका इंतजार करता रहा लेकिन वो आई नहीं। तुम कौन हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं, 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 छोड़ो। अशोक कुमार के द्वारा शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि पुलिस को पहुंचने से पहले देर हो चुकी थी। ये क्रूर बलात्कार और हत्या है। शंकर हमारी हिरासत में है, जांच अभी जारी है।
जीवन में मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसे एक डॉक्टर के रूप में देखूं। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं उसे इस हालत में देख पाऊंगा। Thank you.
कितनी भावुक कर देने वाली कहानी है ये भाई बहन की। क्या तुम लोग भगवान कृष्ण हो? मैं कोई भगवान कृष्ण नहीं हूँ जिन्होंने साड़ी देकर महिला की रक्षा की थी। मैं रावण की तरह हूँ जिन्होंने बहन के लिए पूरे रामायण शुरू की थी। मैं रावणासुर हूँ। मैं उस राक्षस शंकर को इतनी बहरम इससे मारूंगा कि फिर से कोई ऐसा शंकर पैदा ही नहीं होगा। ये नरसिम्हा उसके टुकड़े कर देगा। फिर से ऐसा हरामी पैदा ही ना हो। ये तुम्हारे जंगल की बकरी नहीं है जिसे तुम काट डालोगे। शंकर कोई आम आदमी नहीं है, वो एक साइको है। उसने 10 लोगों की हत्या की है, वो तुम्हें फाड़ डालेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम है पहाड़ी लोग, हम शिकार करने आए हैं। हम जो तीर मारते हैं वो कभी नहीं चुकता, जो दखल देता है उसे तोड़ता चला जाता है। ए, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम किसी को खत्म कर दोगे? ए, मैं पुलिस हूँ, क्या तुम मुझे भी मारोगे? ओ सर, बोल बुझो के मारूंगा सर। हम किसी और को कतई मारने नहीं देंगे। हम होकर आके छोड़ा अपना ही सर चला कर राख कर देंगे। साय बोलता है साय, मैंने उसे एक पिता और माँ की तरह अपने हाथ से पाला है सर। उसके शरीर को अपने हाथों से चिता देना कैसा होगा? नहीं छोड़ूंगा मैं अपने बहन की कसम खाता हूँ, जब तक मैं इसे नहीं मारूंगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा सर। मैं उसे कीड़े की तरह टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो तुम लोग ने शंकर को मारने का फैसला कर ही लिया? हाँ। ये तुम्हारी बहन के मौत का बदला लेगा। हाँ। तुम लोग इस थाने में अभी बंद हो, तो अब क्या करोगे? तो तुम यहाँ से भागोगे? हाँ। या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? मैं तुम लोगों के लिए ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट? इसका क्या मतलब हुआ? पैसे। ओ सर, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है। अगर तुम चाहो तो हमारी जमीन रख सकते हो। क्या हुआ? छुरा घुपने का मन कर रहा है। उन्होंने मुझे जमीन दी है, अगर मैं ये नहीं करता तो मड़प्पा नाराज हो जाते। सर, वो व्यक्ति जो कानून की रक्षा के लिए, मैं भी यही कह रहा हूँ, शंकर कोई क्रांतिकारी आदमी नहीं है, वो सिर्फ तीसरे दर्जे का अपराधी है वो। अरे ओ नरसिम्हा, हम किसी तरह जेल से तो निकल गए, लेकिन अब उस शंकर को हम लोग कैसे ढूंढेंगे यार? देखते हैं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम उस आदमी को ढूंढ ले जिसने शंकर को बचाया था तो आसानी से मिल जाएगा वो हमें। कब तक वो हमसे छुप कर रहेगा? कभी ना कभी तो मिलेगा इस साला। मुझे यकीन है कि वो यही कहीं आस पास ही होगा। सुनो, चलो चलते। ये भाई, पर हम जाएंगे कैसे? हाँ, बताओ शंकर किधर है? ए, कौन शंकर? कौन शंकर? जिसे तूने पचाया था वो शंकर। पता चला? ए, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। ए नरसिम्हा, ये हम लोग की बात नहीं समझ रहा है, मार दे इसे। मेरी गौतमी?
ये मैं, मेरी प्रेमिका और तुम्हारी बहन अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तुम्हारी बहन मेरी प्रेमिका के साथ मैसूर में रहा करती थी। तुम्हारी बहन एक पारिवारिक रिश्तेदार की तरह हमारे साथ ठीक हो गई। मैंने और काव्या ने शादी करने का फैसला किया। हेलो। हेलो, कहाँ रह गई तुम? हाँ आ रही हूँ ना, थोड़ी देर में आती हूँ। मैं अपनी दोस्त को रास्ते से पिकअप करने जा रही हूँ। ओके ठीक है। मुझे मेरे दोस्त के माध्यम से पता चला कि शंकर अपराधी है। मैं बदला ले सकता था, लेकिन मेरे लिए कैश के पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मेरी काव्या के लिए जरूरी था। उस दिन मैंने ये सोचकर टोक दिया कि अगर वो मर गया तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन बदकिस्मत से बच गया वो। हम यहाँ उस लड़के को मारने आए हैं और अपनी बहन की मौत का बदला लेने आए थे, लेकिन तुम अपनी प्रेमिका को बचा रहे हो जो गंभीर स्थिति में है। न जाने राज्य में कितने लोगों को बचा पाती मेरी बहन। अब ऊपर जाके भी मेरी बहन सेवा ही कर रही होगी। आप आगे चलो, हम चलकर सब लोग उसे ढूंढते हैं। क्या हुआ, भरोसा नहीं है क्या हम पर? हम मडप्पा के भक्त हैं। एक बार जो बोल दिया ना, उसे वन शॉट क्लियर कर देते हैं। हम उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ते हैं। लेकिन भाई एक बात बताओ, हम उसे खोजेंगे कैसे? हमें तो बिल्कुल ही पता नहीं है कि वो कहाँ छुपा है, कैसे खोजेंगे हम उसे? मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। मुझे अंदेशा था कि वो वहां से भाग सकता है, इसलिए मैंने अपने फोन को साइलेंट मोड पर डालकर उसकी जेब में डाल दिया। अब हमें उसे सिर्फ ट्रेस करना है। ट्रेस करना है, चलो मार देते हैं। ट्रेस का मतलब है उसे ट्रैक करना है। ओ, ऐसा है, तो जल्दी करो। ये इतना आसान नहीं है। ये कैसे करना है ये सिर्फ क्रिमिनल और पुलिस ही जानते हैं। आपको यकीन है क्या? आप गारंटी देते हो शंकर को कैसे ट्रैक किया जाता है? पक्का। चलो फिर चलते हैं। ए, कहाँ पे? हाँ, पुलिस वालों के पास। ए, पागल हो गए क्या? पुलिस के पास गए तो वो हमें सलाखों के पीछे डाल देंगे। मैं एक पुलिस वाला हूँ, सर्कस वाला बंदर नहीं। तुम ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? ओ सर, आप इसे मुफ्त में नहीं कर रहे हो, हमने आपको जमीन दी है, इसे ध्यान में रखो। समझ में आया? अरे क्या रे, उठ उठ, तू कितना दयालु है रे नरसिम्हा। तुम किसी की जान बचाने के लिए अपने अंदर जलते हुए ज्वाला की वजह से तुम लक्ष्य से समझौता कर रहे हो। मेरी बहन की वजह से आज उसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में है। अगर वो डॉक्टर बन गई होती तो न जाने कितने जनों की जान बचा पाती। पर मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी की जान जाए। कितने लोगों की जिंदगी बचा लेती अगर वो डॉक्टर बनती तो। लेकिन अभी के लिए उसने उस शंकर की जान बचाई है। स्वामी स्वर्णमयप्पा।
इन सब की वजह तुम हो, तुमने उन गांव वालों को उकसाया है। सर सर, इस आदमी को मैं जानता हूँ, सिद्धू नाम है इसका। तुम इस आदमी को जानते हो? हाँ सर। सर कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए सर। सर मैं इसे तब से जानता हूँ जब ये मैसूर स्टेशन पर था। इसने हमारे विभाग की बहुत मदद की है सर, दुर्भाग्य से आज बहुत परेशानी में है। बहुत अच्छा लड़का है सर। बहुत अच्छा लड़का है। मेरे आसपास के सभी लड़के अच्छे हैं। हाँ, जिसने अपनी बहन की हत्या का बदला लेने के लिए समझौता किया। हाँ, ये लड़का जो अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, मैं भी बहुत अच्छा बन जाऊंगा हाँ, अगर मुझे शंकर मिल गया तो। लेकिन इसमें मुझे क्या मिलेगा हाँ? शंकर हाँ? को ट्रेस करके ये डिटेल्स मिला है सर। समझ गया, अब मैं बताऊंगा कि शंकर कहाँ है, मैं भी अच्छा बन जाऊंगा, तब रंगप्पा मेरा बहुत सम्मान करेंगे, नरसिम्हा साहब भी सफल हो जाएंगे और इस साहब की प्रेमिका भी बच जाएगी हाँ? मैं यहाँ किस लिए हूँ, तुम सबकी ड्रामा देखने के लिए हाँ? इसमें मेरा क्या बेनिफिट है सर? रेडी सर। अब तुम्हारे साथ बैठकर बहस करने का समय नहीं है, अगर सहमत हो तो 50-50 के भागीदार हैं हम लोग। क्या बोल रहे हो तुम, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। अब मैं समझा, तुमको पूरा पैसा चाहिए। सुनो, सलाखों के पीछे डाल। अरे सर क्या करें, रंगप्पा गणेश सुरेश आओ चलो। मैंगलोर बॉर्डर और उसके आसपास के सभी पुलिस थानों को अलर्ट कर दो। सर सर प्लीज उसे जाने दीजिए ना, जाने दो सर। उसको जाने दो। आ जाओ। ए नरसिम्हा, अब क्या करे कुछ बताएगा? ये पुलिस के कान के नीचे बजाने का मन कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ए, मारपीट के अलावा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या? मैं ही जानता हूँ कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ। अरे फोन है, अरे मेरे पास फोन है, ये मेरा फोन। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हेलो, कौन है? मैं KMF बैंक की तरफ से बोल रही हूँ। हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। अच्छा ऐसा क्या? हाँ सर। हमें पैसे दे रहे हो? सच कह रहे हैं आप? जी सर। ओ ए नरसिम्हा, यह महिला हमारे लिए पैसे देने की बात तो कर लेना, रही है। लेना, लेना। ले 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 ले। हाँ जी आगे बताइए। हम आपको बैंक की तरफ से 10 लाख का लोन दे सकते हैं। 10 लाख रुपए? यस सर। तुम सच में बिल्कुल सच कह रही हो ना? हाँ बिल्कुल सर। ओ, 10 लाख रुपए देने वो कह रही है, ये तो एक बार तो पूछो कि वो पैसे लेने हमें कहाँ जाना पड़ेगा। ये लो जल्दी से बात करो और जल्दी से पूछ लो, वही चलते हैं, जल्दी बात करो। जल्दी बात कर लो। सर, मैं ठीक से आपकी बात सुन नहीं पा रही हूं। अरे पैसे लेके आपस में बांट लेंगे। शंकर का ठिकाना पता चल गया। ಗಂಡು ಹುಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೂತು ಹಿಂಡು ಹುಲಿಯ ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹೊರಟ ನೋಡು ಮಾದಪ್ಪ ಮಾಡಿ
ಮಾಡಬ್ಯಾಡಿ, ತಂಟೆಗಂತೂ ಹೋಗಬ್ಯಾಡಿ, ಸೊಟ್ಟ ಮುರಿವ ಮಂಟಲಿಂಗ ಮಾದಪ್ಪ, ಹೆಣ್ಣ ಕಾಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾಣಬ್ಯಾಡಿ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ಬಗೆವ ಮಾದಪ್ಪ. ಕಟ್ಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬೀದಿ ಕಾಮ ಪುತ್ರರೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಶಂಕರ. ಸುಳ್ಳು ಮೋಸ ದ್ರೋಹಕ್ಕಿಂತು ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಕಾದು ಕುಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ. हेलो सर, बीच के पास एक सुनसान बंगला है, उसी में शंकर है सर, इन्फॉर्मेशन पक्की है. डिपार्टमेंट को बोल दो कि बंगले को घेर ले, मेरे आने तक कोई बंगले में मत जाना. ओके सर. सिद्धू, जानकारी मिली है शंकर समुद्र तट के पास सुनसान बंगले में छिपा है, जल्दी पहुंचो. यहाँ पे है स्वामी शरणम्मय्यप्पा. हे शंकर, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम हमेशा ऐसी घिनौनी जगहों पर घूमते हो. मेरे लिए ना तुम इम्पोर्टेंट हो ना ही वो लड़की. पहले मैं उसे गोली मारूंगा, फिर तुमको. आखिरी बात के रूप में, इससे पहले कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं, भगवान से प्रार्थना मांगो. ओम स्वामी शरणम्मय्यप्पा. तू तो कायर निकला रे. सिर्फ एक गोली से डर गया और उस लड़की को छोड़कर अलग हो गया. हाँ, ए, इसे साथ लेकर आओ. आज मंगलोर पुलिस और हमारे विभाग के सहयोग से हमने सफलतापूर्वक शंकर को पकड़ लिया है. जिस लड़की का उसने अपहरण किया है वो हमारे पास सुरक्षित है. सर, क्या आप शंकर को डायरेक्ट सेंट्रल जेल शिफ्ट करेंगे क्या? नहीं, हम अब मैंगलोर कोर्ट में शंकर को पेश करेंगे और फिर उसे बेंगलोर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर देंगे. हे शंकर, अब मैं तुम्हें जेल ले जाकर क्या करूंगा? मैं तुम्हें जाने दूं, बच जाओगे? हाँ?
तुम जानते हो मैंगलोर कन्नड़ बात करने में कितना मजा आता है। तुमको भरोसा नहीं है पकड़ने में कितना संघर्ष किया। तुम वहां जेल में जाओगे, आनंद उठाओगे, फिर वहां से भाग जाओगे, फिर सब लोग यहां सर फोड़ेंगे। इन सब के बदले में तुम्हें अभी यहां से जाने दूं? हाँ? हाँ? जाने दूं? क्या तुम जाओगे? पर मेरी एक छोटी सी कमजोरी है। क्यों रंगप्पा? अगर कोई मुझसे प्रॉफिट ले रहा है तो मुझे भी उसके बदले में प्रॉफिट चाहिए भाई। अब मैं तुम्हें यहां से बच निकालूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट होगा? क्या तुम मुझे पैसे दोगे? अभी अभी तुम यहां इतना पैसे कहां से लाओगे? रंगप्पा क्या कहा उसने, सुना तुमने? इसने जो रेप किया है, मर्डर किया है, उससे जो पैसे कमाया है, बहुत सारा बचा लिया है। ये सब कुछ देने को तैयार है। रुको मैं बताता हूं। हेलो, ये कहाँ है? यस सर, मैं जाके देखता हूँ सर। सर, क्या तुमको नाले के पास राघवेंद्र स्वामी का तस्वीर मिला? हाँ यस सर, राघवेंद्र स्वामी का फोटो मिला है। उसने उस फोटो के नीचे पैसे और जेवर छिपाए हुए ऐसा लगता है। सर, पैसे और जेवर यहीं दफना के रखा था सर। मिल गया है? पैसा मिला? हाँ मिल गया सर। हे शंकर, बहुत खूब, तुमने अपनी बात ईमानदारी से रखी। तो अब मुझे वही करना चाहिए जो मैंने तुमसे वादा किया। क्या कहते हैं रंगप्पा? कमीना। ए रमेश। हाँ सर। गाड़ी खदान की तरफ मोड़ो। जी सर। ए शंकर, मैंगलोर में यहाँ का मौसम बेहद गर्म है, अब मेरे विचार बदलने से पहले ही गायब हो जाओ, पीछे मुड़कर न देखना, जल्दी भागो, जाओ जल्दी जाओ। स्वामी शरणमयप्पा। क्या तुम मुझे शूट करोगे क्या? शंकर जैसे लोगों को छोड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन आप जैसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तुम बहुत गड़बड़ हो रंगप्पा। तुम्हारे हाथ में बंदूक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ बिना बंदूक के, शूट करो ना। अच्छा सर, जिसे आपने छोड़ा है वो एक खतरनाक बलात्कारी है सर, वो इस तरह के और अपराध करने जा रहा है। बहन या बेटी होती तो दर्द समझते। क्यों, क्या वो पीड़ित मेरी बहनों की तरह नहीं है? उस दर्द को समझने के लिए हमारी ही बहनें होनी चाहिए रंगप्पा। समझने के बाद भी क्या करने जा रहे हो? हम किसी को ऐसे गोली नहीं मार सकते क्योंकि हमारे पास बंदूक है, हमें हर गोली का हिसाब देना पड़ता है, हिसाब जो हम चलाते हैं उसका हिसाब। हमारा एक स्वतंत्र देश और इस स्वतंत्र देश में क्राइम रेट के मामले में हमारा देश चौथे नंबर पर है। ऐसे भी देश हैं जहां अपराध है ही नहीं, तुम जानते हो क्यों? उन देशों में अपने बच्चों को क्लास में कानून का सिलेबस पढ़ाया जाता है। इन शिक्षाओं की वजह से उस देश में अपराध बहुत ही कम होते हैं। वो देशभक्ति और संविधान का सम्मान करते हैं, जिससे अच्छा समाज का निर्माण होता है। जबकि हमारे देश में कानून या संविधान का अध्ययन करने के लिए LLB करनी होती है। अगर ऐसा होता रहा, सभी महिलाएं अपने साथ हथियार लेकर चलने लगेंगी। फिर रेपिस्ट, रेप तो क्या, पेशाब करने से पहले उसकी पैंट गिली हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? इसलिए मैंने शंकर को छोड़ा है। सुनो रंगप्पा, अब बताओ शंकर को पकड़ने के लिए क्या करें?
हम उसे जेल में डाल देंगे। वहाँ वो अपने समय का आनंद लेता है, फिर से वो भाग जाता है। फिर से उसे पकड़ने के लिए लोग मुझे बेंगलोर बुलाएंगे और चैनलों पर हीरो का मुझे दर्जा देंगे। बस इतना ही तामझाम करके बात खत्म, सही है? शंकर को खत्म करने के लिए सिर्फ एक गोली ही काफी है, लेकिन उसे इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए। उसे तड़पा कर बेरहमी से मारना चाहिए। मडप्पा के लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। शंकर जैसे लोगों को इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है। हम अपराधियों को मार के भगा सकते हैं, लेकिन शंकर जैसे मनोरोगियों को नहीं। वो हमारी मातृभूमि को बदनाम करते हैं। ए, बकवास बंद करो। कानून नाम की भी एक चीज है। क्या सर, कौन सा कानून? उन्होंने एक बलात्कारी को नाबालिग कहकर बगैर सजा दिए जाने दिया। कमलापली केस बगैर किसी कारण बंद कर दिया गया, यही है क्या कानून? कई बार चीजें हाथ से निकल जाती हैं, लेकिन वो कारण नहीं होना चाहिए। समझ गया? सर, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कानून की बातें नहीं जानता। मैं मडप्पा का भक्त हूँ और शंकर को मारने के लिए आया हूँ। तुम्हारे इस कारनामे से समाज का समाधान हो जाएगा? शंकर को मारने से समाधान हो जाएगा? मुझे नहीं पता कि इससे समस्या का समाधान होगा कि नहीं, लेकिन इसके बाद दरिंदे दोबारा सोचेंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सर, हम सब अभी मैंगलोर में हैं। 3 दिन बाद हम बैंगलोर जाएंगे। शंकर को अभी हम भाग जाने देते हैं, फिर हम सब कुछ संभाल लेंगे। जैसा कि तुम लोगों ने बताया, वो सब करने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ, पर इसके बदले में मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा? हाँ, क्या कहते हो? मैंने जिंदगी में तुम लोगों से पहली बार कमिटमेंट किया है। जाओ, मैं शंकर को भगा दूंगा। भगवान मडप्पा को नाराज नहीं कर सकता। जाओ जाओ जाओ, मेरी बहन ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था, लेकिन तूने उसे मार कर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन अभी तुझे तो मरना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो नरसिम्हा मडप्पा को क्या मुंह दिखाएगा? मैं शूरवीर शेर हूँ। मैं एक बार आगे बढ़ गया तो कभी पीछे नहीं हटने वाला, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अपनी आखिरी बारिश देख ले।
ए शंकर। देखो जितना भागना है, बड़प्पा को पीछे हटना पसंद नहीं है रे। Yeah!